हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, और ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, फेज डायग्राम, और ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, रेड टाइम, और एम्बर टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिक्वायर्ड एम्बर टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। देन हम नेक्स्ट इस क्लास में स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम। ये हमारा लास्ट टाइम क्या होता है और लास्ट टाइम के बेसिस पे कॉन्सेप्ट करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए, लॉस्ट टाइम, लॉस्ट टाइम अब क्या हुआ, यहाँ पे किस चीज़ की बात करें तो लॉस्ट टाइम आपका होता है टोटल जो आपका स्टार्टअप लॉस्ट टाइम होता है प्लस क्लियरेंस लॉस्ट टाइम जो होता है, वो दोनों को ऐड करके हम आपको टोटल लॉस्ट टाइम आपका फाइंड आउट होता है। अभी स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्या होता है, एक क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्या होता है, इन सबको हम डिस्कस्ड करने वाले हैं और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्टार्टअप लास्ट टाइम क्या होता है और क्लियरेंस लास्ट टाइम क्या होता है। बस आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ साइकिल टाइम। आपको पता है साइकिल टाइम क्या होती है? साइकिल टाइम जिसमें आपका ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम प्लस रेड टाइम, ये तीनों जो कैलकुलेटेड होते हैं, वो तीनों का जो इक्वल होता है वही आपका क्या होता है, टोटल साइकिल टाइम होता है। तो जो आपका लॉस्ट टाइम है, ये भी साइकिल टाइम का ही एक पार्ट है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ साइकिल टाइम विच इज़ नॉट यूटिलाइज इफेक्टिवली बाई अदर रोड। लेकिन ये हमारा लॉस हो जाता है रोड में, इसका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं इफेक्टिवली। तो मतलब रोड में जो भी आपका साइकिल टाइम है, उसमें से जो टाइम आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं, वही टाइम आपका एक सबसे क्या कहलाएगा, लॉस टाइम कहलाएगा, राइट? अब आप कैसे इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आए? आपका जो टोटल साइकिल टाइम है वो होता है आपका रेड टाइम, ग्रीन टाइम एंड एम्बर टाइम, राइट? और ये आपकी टोटल साइकिल टाइम होती है, लेकिन उस टोटल साइकिल टाइम में जिस टाइम को आप इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, लॉस्ट टाइम कहलाता है। तो लॉस्ट टाइम में उसमें वो भी हमारा किस टाइप का, दो टाइप का होता है। एक होता है स्टार्टअप लॉस्ट टाइम, राइट, जिसको आप TSL स्टार्टअप लॉस्ट टाइम से डिनोट करते हैं। एक दूसरा होता है आपका क्लियरेंस लॉस्ट टाइम, क्लियरेंस लॉस्ट टाइम TCL। इन दोनों को ऐड करके आपको फाइंड आउट होता है टोटल लॉस्ट टाइम। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्या है और हमारा क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा कि स्टार्टअप लॉस्ट टाइम आपका क्या है, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप लॉस्ट टाइम जो है आपका, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्या है, इट इज़ द लॉस्ट टाइम अपियर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ग्रीन टाइम, इट इज़ द टोटल लॉस टू स्टार्ट द ट्रैफिक फ्लो। तो मतलब ट्रैफिक के फ्लो को स्टार्ट होने में जितने टाइम का लॉस होता है, वही हमारा होता है स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ट्रैफिक के फ्लो को स्टार्ट होने में जितने टाइम का लॉस होता है, वो होता है हमारा स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ट्रैफिक के फ्लो में स्टार्ट होने में क्या कैसा टाइम लॉस होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाय ग्राफिकली एंड बाय प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या है कि इट इज़ द लॉस्ट टाइम अपियर एट द स्टार्ट ऑफ ग्रीन टाइम। मतलब ग्रीन टाइम जैसे आपका स्टार्ट हुआ, तो उस ग्रीन टाइम के स्टार्ट होने में जितना हमारा ट्रैफिक के फ्लो को स्टार्ट होने में जितना भी लॉस्ट टाइम का लॉस हो, वही आपका स्टार्टअप लॉस्ट टाइम होता है। अब इसको समझने के लिए आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका रोड है, राइट? ये आपकी क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड है, एक रोटरी है वहाँ पे आपका सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड है। ये आपका यहाँ पे क्या है, रेड टाइम सिग्नल था, क्या था, रेड सिग्नल था, इसलिए सभी व्हीकल आपके रेड सिग्नल में क्या है, देखिए बारी बारी से खड़े हैं, 1 2 3 4 5, जिसके नंबर ऑफ व्हीकल आपके क्या है, खड़े हुए हैं, राइट? जैसे ही इनको ग्रीन टाइम मिला, जैसे ही इनको ग्रीन टाइम मिला, तो ये क्या करेंगे, मूव करना चालू कर देंगे, फ्लो करना आगे रोड में चालू कर देंगे। तो जैसे इनको ग्रीन टाइम मिला, तो अब ग्रीन टाइम मिला है तो इनका क्या लॉस होगा, ग्रीन टाइम मान लीजिए आपका 60 सेकंड का है, एग्जाम्पल देता रहा हूँ, इनको जैसे अभी तक रेड टाइम तो सभी व्हीकल खड़े हो गए, जैसे ग्रीन टाइम स्टार्ट हुआ तैसे ही हमारे ये व्हीकल भी क्या करेंगे, फ्लो होना चालू कर देंगे। तो क्या वैसे तुरंत ही चालू कर देंगे, तुरंत तो नहीं चालू करेंगे। जैसे सबसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये अपना व्हीकल क्या कर दिया, बंद किया अपनी गाड़ी को, ये बंद करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, और जैसे ग्रीन सिग्नल मिलता है वैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद ये अपनी व्हीकल को मूव करेगा, धीरे से मूव करेगा, स्पीड तो ऐसा नहीं कि सडनली स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ये अपने व्हीकल को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही ये अपने गाड़ी को स्टार्ट करेगा तो ये अपनी स्पीड को बढ़ाएगा धीरे धीरे, ग्रीन टाइम। तो ग्रीन टाइम का स्टार्टिंग में क्या है, वो छोटा कुछ सेकंड तो क्या है इसमें टाइम लगेगा, और जो टाइम लगेगा वही तो क्या है आपका लॉस्ट टाइम है। तो
वही आपका क्या है स्टार्टअप। लास्ट टाइम स्टार्ट किया व्हीकल को तो उसके बाद इसको टाइम लगा तो यहाँ से मूव करेगा, ये मूव करेगा तो दूसरा वाला व्हीकल क्या करके रहेगा, इसने स्टार्ट नहीं किया था, दूसरा वाला व्हीकल जैसे देखेगा कि सिग्नल हमारा क्या हो गया, ग्रीन टाइम का सिग्नल हो गया है, दूसरा वाला व्हीकल पहले से इसको देखते हुए क्या कर देगा, स्टार्ट करके रखेगा गाड़ी और फिर ये भी मूव करना चालू होगा। तीसरा वाला फिर उससे कम उसको लॉस होगा टाइम, ऑलरेडी स्टार्ट करके वो सबको तो कंप्लीट रखेगा और सीधे मूव करना चालू करेगा, लेकिन इनकी स्पीड क्या रहेगी स्लो। चौथा व्हीकल उससे भी कम टाइम लगेगा। अब फिर जब जैसे ही थोड़ा पीछे व्हीकल आएंगे तो वैसे उनका जो लॉस्ट टाइम होगा ट्रैफिक क्या होगा धीरे धीरे फ्लो होने लगेगा, और ये भी इनका फ्लो होने लगेगा तो इनका कोई भी लॉस नहीं होगा। जब तक जब पाँचवें छठवें व्हीकल में पहुँचेंगे तो इनका कोई भी लॉस नहीं हो रहा टाइम का, तो यहाँ से समझ जाएंगे कि हमारा ट्रैफिक क्या हो गया स्टार्ट हो गया, ट्रैफिक का फ्लो क्या हो गया रेगुलरली स्टार्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, आपने इसको प्रैक्टिकली भी देखा होगा, सिंपल सी बात है, आप चौराहे में खड़े हुए हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके आगे गाड़ी, फिर आपके पीछे गाड़ी, आपके पीछे गाड़ी, आपके पीछे गाड़ी, अब मान लीजिए आप पीछे खड़े हुए और आगे गाड़ी, तो आप तो ऐसा है नहीं आप आगे वाली गाड़ी का वेट करेंगे, जब आगे का वाली गाड़ी आगे मूव करेगी तभी तो आपकी पीछे वाली गाड़ी मूव करेगी, राइट। तो उस जो आगे वाली गाड़ी का जो स्टार्ट करता है और ग्रीन टाइम सिग्नल चालू होने के बाद जो स्टार्टिंग में जिसको टाइम का लॉस करता है उसके अकॉर्डिंग आपके सभी व्हीकल में इम्पैक्ट पड़ता है, और कुछ दूर के बाद जब सभी गाड़ी फ्रीली मूव करने लगती हैं, इनका ट्रैफिक का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर पीछे वाली गाड़ियों का लॉस नहीं होता है। तो इस टाइप का ही जो लॉस होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम। अब इस बात को आप समझ गए होंगे, राइट। अब इसको मैं बायोग्राफिकली समझा देता हूँ। बायोग्राफिकली आप अगर बाई एक्सिस में देखिए तो ये है आपका टाइम हेडवे, क्या है टाइम हेडवे, और आप अगर एक्स एक्सिस में बात करें तो नंबर ऑफ व्हीकल है, राइट। अब नंबर ऑफ व्हीकल है और आपको जो बाई एक्सिस में वो टाइम हेडवे है, और जो ये जो मैं डॉटेड डॉटेड पोजिशन बनाया हूँ ये इसको बोलते हैं आप सेचुरेशन हेडवे, क्या बोलते हैं सेचुरेशन हेडवे बोलते हैं, राइट। या इसको टाइम हेडवे भी बोलते हैं, सेचुरेशन हेडवे भी बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को, इस पोजिशन से इस पॉइंट सेचुरेशन हेडवे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, व्हीकल नंबर वन की बात कर रहा हूँ, व्हीकल नंबर वन में सबसे पहले आपका जो हमारा टाइम हेडवे कितना लगेगा, इसको ग्रीन टाइम चालू हो गया है, ग्रीन टाइम चालू में इसको सबसे ज़्यादा क्या लगेगा टाइम हेडवे ऐसे इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ क्यों सबसे ज़्यादा टाइम इसको लगेगा, व्हीकल वन को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बता चुका हूँ क्यों लगेगा, क्योंकि इसने गाड़ी स्टार्ट करेगा फिर मूव करेगा तो व्हीकल वन को सबसे ज़्यादा टाइम, देखिए इसका टाइम पीरियड कितना टाइम हेडवे कितना है इंक्रीज है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये व्हीकल वन का ये डॉट डॉट पोजिशन मैंने किया, ये व्हीकल टू का किया, ये व्हीकल थ्री का किया डॉट डॉट, ये व्हीकल फोर का किया, ये व्हीकल फाइव का, ऐसे व्हीकल सिक्स का किया, राइट। तो व्हीकल वन का टाइम हेडवे क्या है ज़्यादा है, राइट। तो इसलिए इसका जो ईवन ईवन यह क्या है लॉस्ट टाइम जो हुआ है, ये हमारा ईवन लॉस्ट टाइम क्या देखिए व्हीकल वन का यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हुआ। जब व्हीकल टू की बात किया तो व्हीकल टू का जो लॉस्ट टाइम हमारा कितना हुआ है व्हीकल वन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जैसे कि इसका जो लॉस्ट टाइम ई टू कितना हुआ कम हुआ इसके कंपेयर में, लॉस क्या हुआ टाइम का कम हुआ दूसरे व्हीकल में, तीसरे व्हीकल में उससे भी कम होगा, चौथे व्हीकल में उससे भी कम होगा, और पांचवें व्हीकल से हमारा ट्रैफिक क्या होगा रेगुलरली क्या कर रहा है फ्लो करने लगा, देखिए रेगुलरली क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। तो देखिए पांचवें छठवें व्हीकल से हमारा ट्रैफिक क्या होगा रेगुलरली फ्लो कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग के व्हीकल में हमारा क्या होता है टाइम पर लॉस होता है, तो उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम क्यों होता है ये वो बता चुका हूँ आपको। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप लॉस टाइम का। तो स्टार्टअप लॉस टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईवन में जितना पहले व्हीकल में जितना लॉस टाइम हुआ फिर दूसरे व्हीकल में तीसरे सभी को आप ऐड कर देते हैं, और सभी को ऐड करने के बाद जो टाइम मिलता है उसी को आप बोलते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका स्टार्टअप लॉस टाइम का, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सेचुरेशन फ्लो रेट। सेचुरेशन फ्लो रेट का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 3600 अपॉन HI। HI क्या होता है आपका सेचुरेशन हेडवे, बस आप सेचुरेशन हेडवे आपको गिवन होगा उसको 3600 का भाग दे देंगे तो आपको ऑलरेडी सेचुरेशन फ्लो रेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सेचुरेशन फ्लो रेट। तो ये तो हुआ आपका स्टार्टअप लॉस टाइम का, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लियरेंस लॉस टाइम क्या होता है, क्या क्लियरेंस लॉस टाइम हमारा क्या होता है। तो कुछ नहीं होता क्लियरेंस टाइम, द लॉस टाइम इज अपेयर एट द एंड ऑफ एम्बर टाइम। जो एम्बर टाइम के एंड में जो टाइम का लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्लियरेंस लॉस टाइम। अब ये समझ नहीं पा रहे होंगे तो इसको मैं आपको सुनाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से आपका ये व्हीकल स्टार्ट हुआ, ये व्हीकल स्टार्ट हुआ, ये व्हीकल इजली आपका जो टाइम था उसमें
ऊपर गए ग्रीन टाइम में, ये भी व्हीकल ग्रीन टाइम और प्लस एम्बर टाइम में मूव कर गए, ये भी व्हीकल मूव कर गए, ये भी व्हीकल, जो लास्ट व्हीकल है वो मूव कर रहा था आपका गिवन एम्बर टाइम पे, तो जब से मूव कर रहा था और मान लीजिए व्हीकल यहाँ पे फंस गया, मतलब डायलेमा सिचुएशन वाली केस में फंस गया, उस केस में जो टाइम का लॉस होता है, जो क्या होता है तो आपका इंड ऑफ एम्बर टाइम, जो टाइम का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ अगर व्हीकल एम्बर टाइम के एंड में फंसा तो इधर से जो ट्रैफिक फ्लो है उस पर क्या होगा, इस साइड से भी तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, उस केस में भी तो क्या, आप देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर ग्रीन है तो स्टार्ट में ग्रीन टाइम, जैसे ग्रीन सिग्नल इधर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टअप लॉस्ट टाइम हुआ, वो आपको समझाया। अब क्लियरेंस लॉस्ट टाइम कैसे होगा, जब ये पूरा ग्रीन टाइम इधर मूव कर रहा होगा तब तक इस रोड में, इस वाले रोड में और इस वाले रोड में क्या हो रहा है, रेड रेड सिग्नल होगा, लेकिन जैसे ही ग्रीन सिग्नल कंप्लीट हुआ, एम्बर सिग्नल कंप्लीट हुआ और एम्बर सिग्नल क्या हुआ आखिरी में पहुंचा है, आखिरी टाइम पे पहुंचा, तो ये व्हीकल आधी रोड में फंस गया, तो जैसे ये तो फंस गया व्हीकल, तो इसका तो टाइम क्लोज होगा सिग्नल सिस्टम का, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली है, पर आपका ये व्हीकल यहाँ पे फंस चुका है, डायलेमा सिचुएशन है, लेकिन इधर का साइड जो सिग्नल सिस्टम है इधर तो क्या हुआ ग्रीन टाइम चालू हो गया, जो ग्रीन टाइम चालू हुआ लेकिन व्हीकल तो एक्सीडेंट केस से लेकर एक्सीडेंट हो जाएगा, उस टाइम जो टाइम का लॉस होता है ट्रैफिक का, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस लॉस टाइम। आप जनरली इसको जब प्रैक्टिकल भी विजुलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है, तो वही बोल रहा है कि दिस लॉस्ट टाइम इज अपेयर एट द एंड ऑफ एम्बर टाइम, राइट, दिस लॉस्ट टाइम इज अपेयर एट द एंड ऑफ एम्बर टाइम, क्लियरेंस इंटरवल इज नॉट यूटिलाइज इफेक्टिवली, क्लियरेंस जो इंटरवल होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते इफेक्टिवली बाय द ट्रैफिक एट द एंड ऑफ एम्बर टाइम कार्ड क्लियरेंस लास्ट टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस लास्ट टाइम। तो ये था आपका स्टार्टअप लास्ट टाइम और क्लियरेंस लास्ट टाइम, इन दोनों को ऐड करके ये आपको फाइंड आउट होता है टोटल लॉस्ट टाइम, राइट, तो आपको ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है, हमारा क्या डिस्कस करेंगे हम लोग इफेक्टिव ग्रीन टाइम, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम अभी आपने पढ़ा ग्रीन टाइम, अब इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या चीज़ हो गई, तो देखिए इट इज़ द एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर ट्रैफिक टू क्रॉस द इंटरसेक्शन। देखिए ग्रीन टाइम होता है, ग्रीन टाइम आपको समझाया, ग्रीन और एम्बर टाइम होता है, तो ग्रीन और जो एम्बर टाइम दोनों मिलाकर उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रीन टाइम बोलते हैं। उस ग्रीन टाइम में आपका जो लॉस हो रहा है कौन सा, स्टार्टअप लॉस और क्लियरेंस लॉस टाइम, आपको स्टार्टअप लॉस टाइम क्या होता है ये भी समझा दिया और क्लियरेंस लॉस टाइम, तो ग्रीन और एम्बर टाइम में ये लॉस होता है, तो जो ग्रीन और एम्बर टाइम में जो स्टार्टअप लॉस टाइम और क्लियरेंस लॉस टाइम में जो हमारा जो हमारा ये टोटल जो ग्रीन और एम्बर टाइम है उसमें जो हमारा ये लॉस होता है उसको माइनस करने के बाद जितना टाइम मिलता है वही टाइम तो है कि हमारे ट्रैफिक को क्या करता है, क्लियर करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इसको आप देखते हैं वही मीनिंग लिखा है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम को जी आई से डोनेट करते हैं और आपका इसका फॉर इट इज़ द एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर ट्रैफिक टू क्रॉस द इंटरसेक्शन, जो एक्चुअल टाइम मिलता है ट्रैफिक को क्रॉस होने के लिए किसी भी इंटरसेक्शन पे, वही आपका क्या होता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम। और एक्चुअल टाइम क्या है तो आपको सुनाता हूँ, आपको मिलता क्या है, देखिए एक्चुअल में ग्रीन टाइम यहाँ से यहाँ तक प्लस एम्बर टाइम, इतना टाइम मिलता है आपको किसी भी ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए किसी भी इंटरसेक्शन पे, राइट, पर उसमें क्या होता है आपका उसी ग्रीन टाइम में क्या होता है स्टार्टअप लास्ट टाइम होता है, क्या क्यों होता है कैसे होता है ये समझा चुका आपको, ठीक है, और उसी ग्रीन और एम्बर टाइम में क्या होता है आपका, एम्बर टाइम में क्या होता है ग्रीन टाइम में होता है आपका स्टार्टअप लास्ट टाइम और एम्बर टाइम में क्या होता है क्लियरेंस लास्ट टाइम। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछता कि तो ग्रीन टाइम में क्या है कौन सा लास्ट टाइम होता है, उसमें तो स्टार्टअप लास्ट टाइम होता है आपको समझा चुका, और जो एंड में होता है एम्बर टाइम के एंड में, तो एम्बर टाइम में कौन सा लॉस होता है क्लियरेंस लॉस होता है, तो ग्रीन टाइम पे टाइम पे क्या होता है स्टार्टअप लॉस टाइम होता है और एम्बर टाइम में क्या होता है क्लियरेंस लॉस टाइम होता है, राइट, ये तो लॉस हो गया, जब ये टाइम को दोनों का क्या होगा, इधर का देखिए इतना लॉस टाइम हो गया और इधर का भी लॉस टाइम होगा, जबकि टोटल आपको ग्रीन प्लस एम्बर इतना मिला था टाइम, तो इतना मिला था आपको ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए, तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करने के बाद जितना टाइम आपका बचा उसी को आप बोलते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम, क्या बोलते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम। आप समझ गए होंगे कि आपको एक्चुअल टाइम मान लीजिए ग्रीन टाइम मिला था आपको 50 सेकंड, एम्बर टाइम मिला था आपको 10 सेकंड, आप रोड में जो ट्रैफिक है उसको क्रॉस करने के लिए आपको मिले थे टोटल किसी भी इंटरसेक्शन में 60 सेकंड मिले थे, उसमें से आपका 5 सेकंड क्लियरेंस लॉस टाइम में चला गया और स्टार्टअप लॉस साइड में भी कितना चला गया 5 सेकंड चला गया, तो आपको टोटल तो ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए मिले थे 60 सेकंड, जिसमें से आपका स्टार्टअप लॉस टाइम और क्लियरेंस लॉस, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता क्योंकि ये जब प्रैक्टिकली होता है इसका कोई इफेक्टली आपको शुरू में बता दें कि लॉस टाइम ऐसा होता है जिसका हम लोग रोड में इफेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते, ऐसा टाइम है जिसका हम लोग इफेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते,
तो इस 50 से 60 सेकंड मिला था, इसमें से आपका 10 सेकंड के आपका लॉस हो गया टाइम का, तो आपके पास इफेक्टिव टाइम कितना मिला क्रॉस करने के लिए, मात्र 50 सेकंड मिला। उसी टाइम को आप बोलेंगे क्या, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। अब आप समझ लोगे इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या है। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम आपका जनरली क्या होता है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम आपको आते हैं ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम में माइनस कर दीजिए आप लॉस्ट टाइम। और लॉस्ट टाइम क्या होता है, तो ग्रीन टाइम इफेक्टिव ग्रीन टाइम इज इक्वल टू होता है ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम, उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा स्टार्टअप लॉस्ट टाइम प्लस क्लियरेंस लॉस्ट टाइम, उसको माइनस कर देंगे ग्रीन प्लस एम्बर जो आपको कंप्लीट मिला है उसमें से स्टार्टअप और क्लियरेंस को माइनस करेंगे तब आपको फाइंड आउट होता है क्या, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो आप ये समझ गएंगे इफेक्टिव ग्रीन टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि आपका फेस वन है, ये आपका फेस टू है, राइट। जब फेस वन में आपका क्या है ग्रीन टाइम और एम्बर टाइम है, तो आपके फेस टू में क्या होगा उस समय, रेड टाइम होगा, राइट। अब जब आपके फेस 1 में आपका रेड टाइम होगा, उस समय आपके फेस 2 में क्या होगा, ग्रीन और एम्बर टाइम होगा, राइट। तो बट इफेक्टिवली ग्रीन टाइम कब होगा, इसमें भी स्टार्टअप लास्ट टाइम होगा और क्लियरेंस लास्ट टाइम होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, इफेक्टिव ग्रीन टाइम होगा, राइट। पर रेड टाइम तो आपका कंप्लीट रहेगा, रेड टाइम तो आपका कंप्लीट रहेगा। ऐसे सेम इसमें जब रेड टाइम आपको कंप्लीट रहेगा, तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम ये रहेगा। तो टोटल जो साइकिल के टाइम है, टाइम उसमें क्या होगा हमारा, ग्रीन टाइम प्लस लॉस प्लस इसमें भी ग्रीन प्लस लॉस, ये हमारा क्या होता है, टोटल टाइम होता है हमारा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इफेक्टिव ग्रीन टाइम का, जो आपको मैंने समझाया, राइट। अब ध्यान रखना आपको कि जितना ज़्यादा मोर द ट्रैफिक वैल्यू, मोर द इफेक्टिव ग्रीन टाइम, जितना ज़्यादा हमारा ट्रैफिक वैल्यूम होगा उतना ही हमारा इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिनसे न्यूमेरिकल आपके जनरली बनते हैं, आप इनको बड़े ध्यान से देख लीजिए। सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद हैं, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप कुछ इजीली सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कैपेसिटी ऑफ लेन, एक लेन की कितनी कैपेसिटी होगी, इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ लेन को निकालने का फार्मूला होता है आपका सेचुरेशन फ्लो रेट इंटू ग्रीन रेशियो, सेचुरेशन फ्लो रेट इंटू ग्रीन रेशियो। तो कैपेसिटी ऑफ लैंड क्यू से निकालते हैं, जिसकी यूनिट होती है आपकी व्हीकल पर आवर। सेचुरेशन फ्लो रेट का फार्मूला आपको जस्ट पीछे बताया है, 3600/hi। hi क्या होता है, सेचुरेशन हेडवे, क्या होता है आपका, सेचुरेशन हेडवे। और ग्रीन रेशियो कैसे निकलता है, तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम अपॉन टोटल टाइम, जो साइकिल टाइम होता है आपका टी, ठीक है। तो आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम अपॉन जो टाइम होता है आपका टी, टाइम आप टी यहाँ से निकालते हैं, इफेक्टिव ग्रीन टाइम आप यहाँ से निकालते हैं, तो आप देख लीजिए ऐसे निकाल सकते हैं इजली। तो उस वो होता है आपका ग्रीन रेशियो कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रीन रेशियो। इससे आप निकाल सकते हैं क्या, कैपेसिटी ऑफ ए लेन। एंड सेकेंड फार्मूला आपका क्या बोलता है कि साइकिल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टअप लास्ट टाइम। और आपको अगर कोई टी निकालने की बात करते, इस टी को ही निकालने की बात करते, किसके बेसिस पे, स्टार्टअप लास्ट टाइम के बेसिस पे निकालने की बात कर दे, तो उसके इसमें आपका फार्मूला होता है एन इंटू, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज इंटू स्टार्टअप लास्ट टाइम अपॉन 1 माइनस समेसन वी सी आई अपॉन एस आई। यहाँ पे आप वी सी आई क्या आ गया, तो वी सी आई आपको होता है क्रिटिकल फ्लो रेशियो, क्या होता है आपका, क्रिटिकल फ्लो। तो यह होता है आपका क्रिटिकल फ्लो, और ऐसा ही आपको पता ही है सेचुरेशन फ्लो। तो ये आपको फार्मूला बहुत ध्यान रखना एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में जनरली ये चीज़ें पूछते रहता है कैपेसिटी ऑफ लोन या साइकिल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टअप लास्ट टाइम। और इसके हम लोग न्यूमेरिकल भी डील कर लेंगे, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअली में कैसे इसको सॉल्व आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे एक जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि सभी को, कि एच आई को आप जानती हैं सेचुरेशन हेडवे बोलते हैं, जी आई को आप जानते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम बोलते हैं, टी को आप बोलते हैं साइकिल टाइम बोलते हैं, टी एस एल को बोलते हैं स्टार्टअप लॉस्ट टाइम बोलते हैं, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ फेज बोलते हैं, एस आई को बोलते हैं सेचुरेशन फ्लो रेट बोलते हैं, और वी सी आई को क्रिटिकल फ्लो वैल्यूम बोलते हैं। अब क्रिटिकल फ्लो वैल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ टू वे ट्रैफिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल फ्लो वैल्यूम था यहाँ तक तो समझ में आई, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टू वे ट्रैफिक क्या है, तो मैक्सिमम ऑफ टू वे ट्रैफिक का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका ये कोई रोड का सिस्टम है, ये आपकी रोड जा रही है, राइट। ये आपकी रोड जा रही है, आपकी रोड मान लीजिए ए है, ये रोड आपकी क्या है बी है, ये आपका एक इधर ट्रैफिक जा रहा है, वह टू वे ट्रैफिक मान लीजिए मुँह पर, ये आपकी रोड की सेंट्रल लाइन हो गई और इस रोड की आपकी ये सेंट्रल लाइन हो गई, राइट। तो इधर ट्रैफिक जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब मान लीजिए इस साइड जो ट्रैफिक जा रहा है, इधर इधर इस साइड ट्रैफिक मूव कर रहा है और एक हमारा इस साइड, तो मतलब टू लेन टू वे ट्रैफिक है, राइट। तो मान लीजिए इस लेन की जो ट्रैफिक वैल्यूम है वो मान लीजिए 600 व्हीकल पर आवर है, राइट। और जो इस साइड से हमारा ट्रैफिक जा रहा है रोड ए में, उसका है हमारा 700
व्हीकल पर आवर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसे बी का ट्रैफिक इधर है, मान लीजिए 500 व्हीकल पर आवर, इस साइड का जो व्हीकल है वो 650 व्हीकल पर आवर। तो क्रिटिकल फ्लो वैल्यू में आप किसको कंसिडर करेंगे, जो वी सी आई कंसिडर करेंगे, हमारे रोड ए का कंसिडर कर रहे हैं, वी सी ए रोड ए का कंसिडर कर रहे हैं क्रिटिकल फ्लो रेशियो, क्रिटिकल फ्लो वैल्यू। तो रोड ए में जो मैक्सिमम है 700 व्हीकल पर आवर इस लेन में है और 600 व्हीकल इस लेन में है, तो जो मैक्सिमम है वही आपका क्या होगा, वी सी ए कहलाएगा रोड ए के लिए। और रोड बी पे देखिए कौन सा, एक 500 व्हीकल इस लेन में और 650 व्हीकल इस लेन में, मैक्सिमम बी रोड में कौन सा है हमारा, मैक्सिमम हमारा 650 व्हीकल, तो 650 कहलाएगा आपका क्रिटिकल फ्लो वैल्यू किसका, बी रोड का। तो वही है लिखा है आपको कि मैक्सिमम आप टू वे ट्रैफिक आप कंसिडर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब इसके बेसिस पे आप कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 बोल रहा है, देखते हैं हम इसको कैसे डील करते हैं और इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे बोल कह रहा है, इफ साइकिल टाइम इज 60 सेकेंड, इफ साइकिल टाइम इज 60 सेकेंड, तो साइकिल टाइम आपको टी दिया है कितना, 60 सेकेंड, आपने नोट डाउन कर लिया। ग्रीन टाइम इज 27 सेकेंड, तो आपको ग्रीन टाइम भी दिया है 27 सेकेंड। एम्बर टाइम इज 4 सेकेंड, एम्बर टाइम भी आपको गिवन है। सैचुरेशन टाइम हेडवे, सैचुरेशन टाइम हेडवे भी आपको गिवन है कितना, 2.4। एसआई की वैल्यू भी दी है आपको कितना, 2.4 सेकेंड पर व्हीकल। स्टार्टअप लॉस्ट टाइम इज 2 सेकेंड, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम भी दिया है आपको 2 सेकेंड पर फेस, राइट। क्लियरेंस लॉस्ट टाइम भी आपको गिवन है 1 सेकेंड पर फेस, राइट। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लेन, तो आपको कैपेसिटी ऑफ लेन निकालना है। तो आपको पता ही है कैपेसिटी ऑफ लेन का फॉर्मूला पता ही है, सेचुरेशन फ्लो रेट इंटू क्या होता है आपका, ग्रीन रेशियो, आपको फार्मूला पहले से ही पता है, सेचुरेशन फ्लो रेट अपॉन ग्रीन इंटू ग्रीन रेशियो, बस आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको टोटल साइकिल टाइम दिया है 60 सेकेंड, आपको ग्रीन टाइम दिया है 27 सेकेंड, एम्बर टाइम दिया है आपको 4 सेकेंड, और आपको टाइम दिया है सेचुरेशन टाइम हेडवे भी गिवन है आपको 2.4 सेकेंड, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम दिया आपको 2 सेकेंड, एंड देन क्लियरेंस लॉस्ट टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो आप यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ लेन पूछा है, कैपेसिटी ऑफ लेन का फार्मूला होता है सेचुरेशन फ्लो रेट जो इसका इंटू ग्रीन रेशियो। सेचुरेशन फ्लो रेट कितना होता है, 3600 अपॉन एच आई इंटू ग्रीन रेशियो, क्या होता है आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम अपॉन टोटल साइकिल टाइम, राइट। ये होता है आपका फार्मूला, आपको लास्ट क्लास में, सॉरी अभी जस्ट पीछे ही बताया आपको मैंने, ये फार्मूला आपको बताया सेचुरेशन फ्लो रेट इंटू क्या होता है आपका इफेक्टिव ग्रीन रेशियो, आपका फार्मूला होता है कैपेसिटी ऑफ लेन निकालने का। आप ठीक है बोला था, इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला बेस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे आपको ये भी गिवन है, आपको क्या गिवन है, सेचुरेशन टाइम हेडवे पता है, टोटल साइकिल टाइम भी पता है, मात्र आपको एक चीज़ नहीं पता है कैप्चर ऑफ लेने के लिए क्या है, वो इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना तो बहुत ईजी है, ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम में से आप माइनस कर दो लॉस्ट टाइम को, और लॉस्ट टाइम क्या होता है, तो आपका स्टार्टअप लॉस्ट टाइम प्लस क्लियरेंस लॉस्ट टाइम, ये आपका होता है क्या, लॉस्ट टाइम। तो आपको ग्रीन टाइम गिवन है 27 सेकेंड, एम्बर टाइम भी आपको गिवन है, माइनस कर देंगे आप स्टार्टअप लॉस्ट टाइम आपका कितना गिवन है 2 सेकेंड, और क्लियरेंस लॉस्ट टाइम आपको गिवन है 1 सेकेंड, तो बस इसको आप माइनस कर देंगे, आपको इफेक्टिव ग्रीन टाइम मिल गया। आप इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और आपको कैपेसिटी ऑफ लेन पता चल जाएगा कि लेन की कैपेसिटी कितनी है। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व आउट कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 47 है, इसका डायग्राम नहीं तो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया और आपके सॉल्यूशन में भी डायग्राम बना दिया, जिसको आप कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट ना हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, फाइंड द साइकिल लेंथ, मतलब साइकिल टाइम पूछ रहा है, साइकिल टाइम बोल रहा है आपको, टी निकालने के लिए बात कर रहा है वो। फाइंड द साइकिल लेंथ फॉर टू फेस सिग्नल हैविंग स्टार्टअप लॉस्ट टाइम कितना दिया आपको 3 सेकेंड, एंड टाइम हेडवे कितना दिया आपको 2.3 सेकेंड। तो मतलब आपको साइकिल लेंथ निकालना है टू फेस सिस्टम, सिग्नल सिस्टम है, कौन सा सिग्नल सिस्टम है, टू फेस सिस्टम सिग्नल सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल लेंथ निकालना है वो भी आपको स्टार्टअप लॉस्ट टाइम के बेस पे, उसका भी आपको जस्ट फार्मूला होता है कि साइकिल टाइम आपका जो स्टार्टअप लॉस्ट टाइम के बेस पे आप फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू आपको पता ही है एन, एन जो होता है नंबर ऑफ फेस इन टू टी एस एल टोटल स्टार्टअप लॉस्ट टाइम अपॉन 1 माइनस समिशन वी सी आई। वी सी आई क्या होता है आपका, क्रिटिकल फ्लो वैल्यू अपॉन क्या करते हैं आप, वी सी आई अपॉन क्या करते हैं आपने, जो आपने जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला देखा है कि ये साइकिल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट के एन इंटू टी सी एल अपॉन 1 माइनस वी सी आई अपॉन एस आई। एस आई क्या होता है, सेचुरेशन फ्लो होता है।
आपको पता ही है कि ये वैल्यू आपको सब फार्मूला पता है, आपको ये वैल्यू गिवन है, आप यहाँ से पुटअप करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। फाइंड द साइकिल लेंथ फॉर टू फेज सिग्नल सिस्टम है आपका, स्टार्टअप लास्ट टाइम आपको 3 सेकंड दिया है एंड टाइम हेड भी आपको 2.3 सेकंड दिया है। और ये डायग्राम है, डायग्राम क्या है आपका, टू फेज सिस्टम। फेज वन में आपका अगर इधर व्हीकल मूव कर रहा है 650 और इधर व्हीकल कर रहा है 600, और फेज टू में आपका ऐसे व्हीकल मूव कर रहा है 550 और ऐसे व्हीकल मूव कर रहा है 575, राइट। तो आपका ऐसे व्हीकल मूव कर रहा है तो आप इससे VCI निकाल सकते हैं। VCI निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बता ही चुका हूँ, तो आइए इसके क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, राइट। VCI को फिर से रिपीट कर दूँ तो आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए आपका तो ये ट्रैफिक सिस्टम है, यहाँ पे फेज वन में आपका व्हीकल इस डायरेक्शन में 650 व्हीकल पर हावर मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में आपका 600 व्हीकल पर हावर मूव कर रहा है, राइट है। और इस डायरेक्शन में आप 575 व्हीकल मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में 550 व्हीकल मूव कर रहा है। जस्ट अभी आपको बताया था कि जो हमारा आपका क्रिटिकल फ्लो वैल्यूम होता है तो कौन सा रहते हैं, जो मैक्सिमम होता है दोनों डायरेक्शन में, जो मैक्सिमम होता है। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 650। तो ये आपका फेज वन का हो जाएगा क्या, क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। फेज टू का क्या है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, ये है। तो आपको फेज टू का क्या होगा, क्रिटिकल फ्लो वैल्यू आपको ये हो जाएगा। तो आपको इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टाइम हेडवे आपको कितना दिया है, 2.3 सेकंड। टाइम हेडवे आपको कितना गिवन है, 2.3 सेकंड, और स्टार्टअप लॉस्ट टाइम कितना गिवन है आपको, 3 सेकंड। तो आप यहाँ से VC1 तो निकाल ही लिया आपने। अगर फिर इसकी बात की जाए, हमारी इसकी बात की जाए तो हमारा VC1 या इसको VC1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता ही है कि आपको VC1 जो आपका क्रिटिकल फ्लो वैल्यूम है एक कितना होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 575, तो उसको आपने ले लिया, और इन दोनों में बड़ा कौन है, 650, तो उसको ले लिया। तो VC1 और VC2 भी आपको पता ही चल गया कि आपके क्रिटिकल फ्लो वैल्यूम आपको पता चल गया दोनों की। सेचुरेशन फ्लो आपको निकालना पड़ेगा, सेचुरेशन फ्लो का आपने फार्मूला जानते ही हैं, 3600/hi होता है, 3600/hi आपको दिया है, क्या दिया चाहिए, टाइम हेड भी आपको गिवन है, आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपको सैचुरेशन फ्लो भी मिल गया, राइट। तो आपको सैचुरेशन फ्लो मिल गया, क्रिटिकल फ्लो वैल्यूम भी मिल गया, और आपको सेचुरेशन टाइम हेड भी दिया ही है, और स्टार्टअप लॉस्ट टाइम भी आपको दिया ही है। तो बस आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको फार्मूला पता है आपको टोटल साइकिल टाइम का। टोटल साइकिल टाइम का फार्मूला होता है आपका n(t), टोटल स्टार्टअप लॉस्ट टाइम अपान, सॉरी स्टार्टअप लॉस्ट टाइम अपान 1 माइनस समेशन VCI/SI। VCI भी आपको पता ही चल गया, राइट। बट आप यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए आपने यहाँ से अलग से VCI/SI कर दिया। अब VCI आपका क्या होगा, दो आपको VCI, दो फेज ना, एक फेज तो है नहीं, दो फेज है। तो VC1 + VC2 को आप ऐड कर देंगे, उन दोनों को डिवाइड देंगे किससे, आप सैचुरेशन फ्लो से आप डिवाइड दे देंगे। तो VC1 आपको पता है 570 + VC2 पता है आपको 650, उसको डिवाइड दे दिया आपने सैचुरेशन फ्लो से, और तो आपकी वैल्यू आ गई इतनी। बस आपको वैल्यू को इस पर पुट अप कर देना है, और आपको ये आंसर आ जाएगा 27.6 सेकंड, जो कि 28 सेकंड होगा। ये आपको मिल जाएगा टोटल साइकिल टाइम, राइट। तो आपको ये फाइंड आउट करना था, आपने इसको इजीली निकाल लिया। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन करना है, और आपको एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। ये आप खुद बनाकर कोशिश करिएगा, आप इसका क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको यहाँ पे आपको PDF भी मिल चुकी है, तो आपको PDF मिल गई है, तो आपको PDF को पूरी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कंप्लीट PDF मैंने आपको अपलोड कर दी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी कंप्लीट ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जो PDF है नोट्स की आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप बस उसको आप कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसके वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, और PDF आप सामने रख के, नोट्स सामने रख के अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिखा देता हूँ, आप इसको खुद से समझने की कोशिश करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि द साइकिल लेंथ फॉर एन इंटरसेक्शन फेज वन एंड फेज टू कितना है, 60 सेकेंड। साइकिल लेंथ दिया है आपको 60 सेकेंड। फाइंड ग्रीन टाइम एलोकेटेड टू फेज वन एंड फेज टू एज शोन इन फिगर, और आपको फिगर गिवन है ये 500 450। तो इसमें VC1 कितना हो जाएगा, 500, इसमें VC2 कितना हो जाएगा, 300 निकल जाएगा। टोटल लॉस्ट टाइम फेज वन का दिया है आपको 2.5 सेकंड, एम्बर टाइम भी गिवन है, इसका भी टोटल लॉस्ट टाइम गिवन है, एम्बर टाइम भी गिवन है, राइट। अब आपको निकालना क्या है, ग्रीन टाइम उसने पूछा है, तो आप ग्रीन टाइम इजिली निकाल सकते हैं। आप बस इसका सॉल्यूशन देखें, पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर फिर नहीं समझ में आता तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, और सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।